हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में जो सैम्पल पेपर आया था सीबीएसई का, ये सैम्पल पेपर हमने डिस्कस किया था। सैम्पल पेपर में सबसे खास बात ये थी कि इस बार जो सैम्पल पेपर का पैटर्न है कम्प्लीटली पूरा जो सैम्पल पेपर है उसका कम्प्लीट चेंज कर दिया गया है उसका पैटर्न, ठीक है ना। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी चेंज किया गया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उनको भी चेंज किया गया है, जो और आपको और जो ऑप्शंस मिलते थे वो भी इस बार काफ़ी सारे आपको और वाले ऑप्शन भी, जो इंटरनल चॉइस वाले ऑप्शन भी मिले हैं। तो उन सब का बेनिफिट उठा के आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। लगभग मैंने 7 पार्ट्स इसके बनाए हैं। अगर आपने उनको डे बाय डे वॉच किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया तो आप 2 वीडियो 2 लेक्चर एक साथ भी आप उनको देख सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की, जो मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्जेस। तो चार्जेस का मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है वो जितना हमने पहले किया है उसी को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन रखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें हम रिवीजन के साथ साथ अपने आने वाले इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आज मैं आपको काफ़ी सारे रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स आपका एग्जर्ट होगा ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर हमने जो फोर्स की बात की थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स है वो हमने डिस्कस कर रखा है और उसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ होगा तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है और आप लोग भी उनको बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस मूवमेंट के कारण वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा और उस फोर्स को हम यहाँ पे डिटरमाइन करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम पहले दोनों की बात करते हैं फिर हम अकेले मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑन क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू इज चार्ज पार्टिकल। देन If magnetic field is there, then F, this is Fm force magnetic field and this is Q into V cross B, Q into V cross B, ये आपके पास यहाँ पर रिजल्ट है। दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको टोटल फोर्स मिलता है F equals to एफ ई प्लस एफ एम, ये हो जाएगा Q into E प्लस Q into V cross B। Q यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, Q इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका वेक्टर नहीं आएगा। E प्लस V cross B, ये आपके पास क्या हो गया, F की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि QE इज ए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड Q इन टू V क्रॉस B इज ए मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर हम केवल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहां पर E इज इक्वल्स टू हम जीरो रखेंगे। और हां, एक बात और बता दूं, ये जो फोर्स की वैल्यू है हमारे पास, ये जो फोर्स है इसको कहा जाता है
लॉरेंट्स फोर्स। ये क्या होगा? लॉरेंट्स फोर्स होगा। लॉरेंट्स नाम के साइंटिस्ट ने इस फोर्स के बारे में सब कुछ बताया था आपको, और इस फोर्स को ही आपको आगे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब लॉरेंट्स ने ये जो फोर्स के बारे में डिस्कस किया आपके सामने, ये जो लॉरेंट्स फोर्स है, इसमें यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रख दोगे, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E प्लस V क्रॉस B। तो E तो जीरो हो गया, इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे, बचेगा कौन, Q इंटू V क्रॉस B। और यहां पर आप देख पाओगे कि Q इंटू V क्रॉस B है, इसके लिए आप डायरेक्ट लिखोगे F इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड दिस इज आवर फोर्स। ये इसका फोर्स का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर इसका F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा है, लेकिन ये रिजल्ट आया कहां से, ये रिजल्ट F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस B से आया। तो V क्रॉस B इज अ वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। टू वैक्टर्स, वाट आर दीज टू वैक्टर्स, V एंड B। V और B दोनों अलग अलग वेक्टर है, ये दोनों अलग अलग वेक्टर जो है ना, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण यहां से जो रिजल्ट मिलेगा, जो फोर्स मिल रहा है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम बाद में बताएंगे, पहले यहां पर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग ओरिएंटेशन पे ये फोर्स कैसे होता है, ठीक है ना। ये लॉरेंट्स फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड और बी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, कंप्लीट पूरा फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180, देन ऑल्सो साइन 180 इक्वल्स टू जीरो। साइन 180 की वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पर, ठीक है। और साइन 180 की वैल्यू जीरो होने से आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, फाइनली जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे पैरेलल मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू, या फिर वो एंटी पैरेलल ओपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, नेट लगने वाला जो फोर्स है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर तीसरा, हम थर्ड जो स्पेशल केस अगर यहाँ पे कंसिडर करें, थीटा इक्वल्स टू 90, देन साइन 90 इक्वल्स टू जीरो, नॉट जीरो, साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 इक्वल्स टू क्यू वी बी इंटू 1। ये क्या फोर्स है, ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे पता आपको मैक्सिमम है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो यहां पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, 1 ही होगा। जब ये फोर्स 1 हो रहा है आपके सामने, ये साइन थीटा की, साइन 90 की वैल्यू जब आपके सामने 1 हो रही है, तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी हो जाएगा। और ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है। यहां पर आपको अब इस चैप्टर के लिए, यहां पर आपको ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी पता होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फोर्स यहां पर जो आपके सामने फोर्स की वैल्यू आई है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन भी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपके सामने क्या है, ये फोर्स का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फोर्स बताया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फोर्स बताया है, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फोर्स हो गए, ये ऐड हो गए और ये आगे आ गए, ठीक है। फिर यहां पर E इक्वल्स टू जीरो हो गया, E इक्वल्स टू जीरो होने के बाद आपके सामने F इक्वल्स टू क्यू वी बी आ गया, इसको हमने यहां पे सॉल्व किया तो ये सब रिजल्ट आया। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कैसे पता चलती है, ठीक है। देखो,
मैग्नेटिक फील्ड आपके पास दो वजह से हो सकता है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दो वजह से हो सकता है। फर्स्ट रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक पोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। मींस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे होती है और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स होती है। ये आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टूवर्ड्स साउथ पोल ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स, ये ध्यान रखोगे ये आपको पता भी होगा। लेकिन हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में। तो ये मैंने आपको पहले जब चैप्टर करवाया था तब भी आपको ये मैंने बताया हुआ था, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। ये देखो करंट ऊपर की तरफ है, ये करंट नीचे की तरफ है। राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। कौन सा रूल अप्लाई करना है फिर से सुन लो, राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना है। और राइट हैंड थंब रूल में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, थंब, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में दाया हाथ राइट हैंड काम में लेना आपको। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, एंड दीज फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट हो गई, और ये इस डायरेक्शन में क्या आएगा, क्रॉस इनवर्ड डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और इसके तरफ घूमते ये इधर क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ये आउटवर्ड, ठीक है। जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो डॉट होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, ये करंट आ गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रही है तो थंब है ना, ये डाउनवर्ड आ जाएगा, और इधर इधर क्या आ जाएगा, ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सॉरी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन, इधर क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। आप इसको एक बार फिर से देख लो, हम इस तरीके से नीचे की तरफ आपका थंब हो गया और इधर इनवर्ड आ गया और घूम के फिर बाहर आएगी, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से बाहर भी आएगा, तो दोनों तरीके से आपके सामने आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में डायरेक्शन की आ गया। ये उस कंडीशन में है जब आपके पास करंट की वैल्यू क्या है, करंट स्ट्रेट वायर में है। अगर करंट आपके सामने सर्कुलर शेप में हो, इस तरफ से हो, तो क्या होगा, तो आपको पता है अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तो आपको यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, और करंट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन। अब नाउ दिस फिंगर्स विल बिकम डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ड हो गया। फिर क्या है, ये आ गया, ये नॉर्थ पोल हो गया कि एन के दोनों, ये ट्रिक है एक तरीके से, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से सर्कुलर लूप के कारण भी मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं, और ये आपके सामने इसकी डायरेक्शन आ गई। तो ये तो आपको हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन को हम कैसे दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये आएगा, देखो हम मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा या तो डॉट से दिखाएंगे या फिर क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। डॉट जो है वो क्या होगा, डॉट जो है वो क्या होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और क्रॉस जो होगा वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो देखो आपके पास सपोज इस डायरेक्शन में ये एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये इनवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहां पर भी आपको राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करना है, इसको राइट हैंड रूल भी बोलते हैं और राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं, आप दोनों में से किसी को याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करना, पाम मतलब आपकी हथेली को कैसे यूज करना, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। ये आपका जो फिंगर्स है
दीज फिंगर्स विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो फिंगर्स है आपकी, फिंगर्स मैं आपको बता देता हूं यहां पे, फिंगर्स क्या होगी, मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और थंब फिंगर्स विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी और ये आपकी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ये मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्ट डायरेक्शन में हुआ, मोशन ये हो गई, देखो ये आपने बता रखी है मोशन, और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये जो पाम है, पाम की जिधर डायरेक्शन होगी, हथेली की जिधर डायरेक्शन होगी, वो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो आपकी पाम या हैंड, दिस विल रिप्रेजेंट फोर्स. ठीक है, तो ये आपके सामने. अब अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू इनवर्ड है. ठीक है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो ये हो गई और फोर्स ऊपर हो गया, तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए ना, फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के कारण ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि मोशन हमेशा उधर, मोशन कोई भी पार्टिकल है उस डायरेक्शन में मोशन करने की टेंडेंसी रखता है जिधर उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता है. तो ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से हम यहां पर आपके सामने फोर्स की डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, यहां पर आप एक चीज और ये भी देख सकते हो कि भाई जो डायरेक्शन होगी वो वी क्रॉस बी, ये रिजल्ट किसका था, ये इसी का तो रिजल्ट था, F equals to Q into V cross B. इसी का तो रिजल्ट था. ठीक है, अब V and B, V cross B की डायरेक्शन क्या हो गई, We have to turn our finger, right hand thumb rule आपने यूज किया है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, We have to turn our fingers from velocity to magnetic field. Velocity to magnetic field and this thumb will represent direction of force. ये आ गया, कैसे भी यूज कर लो, आप इस V क्रॉस B की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, V क्रॉस B की डायरेक्शन आपको, और ट्रिक के लिए हमने आपको ये बता दिया कि आपको याद करने के लिए ये काफी है. ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, राइट एंड थंब रूल के लिए आप यहां पर यूज करेंगे. यहां पर आपको फिर एक बात और बता देते हैं कि जो आपने फोर्स की वैल्यू यहां से डिफाइन की है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसकी हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल यूनिट्स, डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, कैसे करोगे, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करोगे, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगी, देखो एफ इक्वल्स टू क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, बी चाहिए, बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा. देख लो क्या आएगा, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, एफ की होती है एम वन एल वन टी माइनस टू, क्यू की होती है ए इंटू टी, V की होती है L1 T-1, और साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे क्या आएगा, M1 L एक पावर कैंसिल आउट, तो L0 एंड देन T-1, माइनस वन ही है ये माइनस वन और A माइनस वन, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में, और हाँ टी की भी तो ये और ये कैंसिल हो गई है, यहाँ पे माइनस टू आ गई, एम वन एल माइनस टू टी माइनस एम वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक
फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, और इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको सबको पता होनी चाहिए, टेस्ला होती है, ठीक है। हम कैपिटल टी नहीं लिखेंगे, टेस्ला, ये वाला रिप्रेजेंटेशन आप कैपिटल टी से कर सकते हो इसका, ठीक है। टेस्ला एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था साइंस की फील्ड में, उसके लिए आ गया ये। तो ये आपको एक कंप्लीट एक फोर्स के बारे में जो रिविजन है वो हमने किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इसका जो मोशन है, एक जो डेरिवेशन है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल की जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन है वो हमें और देखनी है यहाँ पे, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जो आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी टॉपिक से संबंधित है, आपको देखना होगा, ठीक है। नाउ वी कैन राइट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होता है, देखो ये हो गया, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और अब हमारे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है Q जो v वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर कर रहा है। तो ये इसके अंदर जब एंटर करेगा तो यहां पर इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये यहां पर इसके अंदर एंटर कर रहा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी, ये मोशन की डायरेक्शन हो गई, तो फोर्स क्या हो गया, ऊपर की तरफ। तो फोर्स हमेशा इसके ऊपर कहां लगेगा, F इधर लगेगा, ठीक है। जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो मोशन कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। यहां गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है और फोर्स अंदर लगेगा, ये फोर्स लग गया अंदर, फिर ये अब मोशन किधर आ गया, इधर आ गया, और फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो ये आ गया आपके पास इस डायरेक्शन में, और ये लगातार एक सर्कुलर पाथ बना लेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो सर्कुलर पाथ अगर है तो यहां पे क्या हो रहा होगा, सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी तो लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, बट इन दिस केस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 है तो हम यहां से 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, तो आप लिख दो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी एंड एफ सी इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा, इन बैलेंस कंडीशन बोथ द फोर्सेज आर सेम एंड बोथ विल बैलेंस ईच अदर, देन वी कैन राइट इन इक्विलिब्रियम एफ सी इक्वल्स टू एफ एम, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बोथ आर इक्वल, देन यू कैन राइट एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहां पर एक वी की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम, वी की वैल्यू आपने यहां पर नोट कर ली, एक आर की वैल्यू और नोट कर लो, क्योंकि दोनों वैल्यू नोट करके रख लो, जो काम में आएगी आ जाएगी आपके लिए, एम वी अपॉन क्यू बी, ये आपके पास वेलोसिटी और आर की वैल्यू आ गई। हमें वेलोसिटी और आर की वैल्यू फाइंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम चाहते हैं इसकी टोटल टाइम पीरियड कितना निकलेगा, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू, टाइम होता है क्या, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड भी लिख सकते हो आप, तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस, जिससे इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में कितनी डिस्टेंस लगेगी, टोटल 2 पाई r, वेलोसिटी के लिए कितना लगेगा v,
अब इस 2πr अपॉन v में से आप किसी या तो r की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों में से कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपके पास दोनों कर दोगे ना तो कट पिट के वापस ये का ये फॉर्मूला आएगा, लेकिन दोनों नहीं करनी आपको, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ओनली द वैल्यू ऑफ r अदरवाइज v, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एम वी अपॉन क्यू बी v as it is already रह गया, हमने r की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, v से v कैंसिल हो गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये आपके पास क्या हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू लिख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो न्यू इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप एक काम करो, इसके बाद आपको काम यह करना है, इस फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी और फाइंड आउट कर दो। काइनेटिक एनर्जी एक सेकंड लगेगा आपको, वैल्यू लिख दो किसकी, वेलोसिटी की वैल्यू लिखनी है यहां से। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 एम एज इट इज, v को स्क्वायर करके लिख दो, क्यू बी आर अपॉन एम, तो q इन सबका स्क्वायर, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण। एक बात हो रहा है, टोटल वर्क डन कितना होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल या इन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, जीरो होगा, आप सबको पता है मैंने पहले करवा रखा है, लेकिन कैसे होगा ये हम कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में हम इतना ही है, और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट लेक्चर में हम और इस डेरिवेशन के बेसिस पे, इसके पहले जो टॉपिक किया था उसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले इन बेसिक्स का पता होना चाहिए, इन डेरिवेशन का पता होना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।